संभवतः अगर इस तरीके से ही अगर उन्हीं की ही नीतियों पर काम चला तो संभवतः वो विरोध आगे भी रहेगा। मैंने हमेशा माना है कि उनकी नीतियों ने बिहार का विकास नहीं किया। ऐसे में नई सरकार जो एनडीए की वहाँ पे बनी है, उस सरकार में अगर भारतीय जनता पार्टी के विजन को, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के विजन को जोड़ा जाता है और हम लोग सही मायनों में बिहार को उस विकास की राह पर लेकर चलते हैं जिससे बिहार अभी तक अछूता रहा है, तो यकीनन ये हम लोग के लिए एक सफल निर्णय होगा। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूँ हर्षिता सिंह। तो नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान, एनडीए की सरकार बिहार में बन गई है। लेकिन इसी बीच चिराग पासवान का बड़ा ऐलान नीतीश कुमार को लेकर के मीडिया से बातचीत में, आप देखिए कि चिराग पासवान ने साफ तौर पर नीतीश की एंट्री के बाद अपना बड़ा बयान दिया है और कह दिया है कि नीतीश कुमार का विरोध चिराग पासवान करते रहेंगे, पहले भी करते आ रहे थे, अब भी करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। क्या कुछ कह रहे चिराग पासवान, सबसे पहले आप इस बयान को सुनिए। आने वाले दिनों में सरकार की क्या रूपरेखा होती है, एजेंडे में किस किस चीज़ों को जोड़ा जाता है, क्या कोई साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनाया जाता है, नहीं बनाया जाता है, इन तमाम विषयों पर आने वाले दिनों में चर्चा होगी। आज महत्वपूर्ण था कि मौजूदा और पूर्व मुख्यमंत्री पहले इस्तीफा दें, उसके बाद पुनः वो शपथ लें। आज शपथ समारोह में शामिल होने जा रहा हूँ एनडीए के सहयोगी के तौर पर, और जैसा मैंने कहा कि हम लोग के लिए ये खुशी की बात है कि एनडीए की सरकार बिहार में आ रही है। जो सोच प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी रखते हैं विकास की, डबल इंजन की, सरकारों की, मेरे प्रधानमंत्री की अपनी सोच, और हम लोग का भी बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को लेकर विजन है। मैंने कई बार इससे पूर्व में भी कहा कि मेरा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से। तो सुना आपने, चिराग पासवान ने खुल करके मीडिया के सामने बता दिया है कि वो अपने विरोध को नहीं बंद करेंगे, नहीं रोकेंगे, नीतीश कुमार के खिलाफ मुखर होकर के आवाज उठाएंगे। हालांकि चिराग पासवान ने कहा कि एनडीए की सरकार बिहार में आ गई, इस बात की खुशी है, लेकिन नीतीश कुमार का विरोध वो हमेशा से करते रहे हैं, अब भी करते हैं, और अगर इसी नीति पे काम हुआ और सरकार एनडीए में एक साथ रहने के बाद ऐसे ही काम हुआ तो आगे भी नीतीश कुमार का विरोध करेंगे। आपको बता दें कि जब से नीतीश कुमार की एनडीए में एंट्री की जो खबर थी वो चल रही थी, जब चर्चा चल रही थी, तब से ही लगातार सबकी नजरें चिराग पासवान पे थी। चिराग पासवान के बयान का इंतजार किया जा रहा था कि आखिर चिराग पासवान क्या करेंगे, क्योंकि चिराग पासवान नीतीश के एंट्री से काफी ज्यादा नाखुश नजर आ रहे थे, जिनको मनाने के लिए जेपी नड्डा से लेकर के देखिए कि अमित शाह तक जुटे हुए थे, दिल्ली तक बुलाया बातचीत करने के लिए। और अब देखिए कि चिराग पासवान नीतीश की एंट्री पर तो मान गए, वहां तो बात बन गई, लेकिन अब नीतीश की एंट्री के बाद चिराग पासवान ने खुल करके अपना स्टैंड जो है वो साफ कर दिया है और कह दिया है कि नीतीश कुमार का विरोध करते रहेंगे। तो आने वाले दिनों में एनडीए की जो सरकार बिहार में आई है, एक बार फिर से यहाँ पर नीतीश और चिराग के बीच में वो जो जंग छिड़ी हुई थी वो देखने को मिल सकता है आपको। बिहार की तमाम खबरों के लिए बने रहे बिहार तक के साथ।